हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब मैं हूँ पिंकी और पिंकी की दुनिया में आपका स्वागत है तो देखिए आज हम लोग पकोड़े बनाने की तैयारी कर रहे हैं ये अजवाइन का पौधा है और ये देखिए रिंकू ने तोड़ ली है अजवाइन और ये हमने हमारे गमले में लगा रखी है तो ये अजवाइन है इसके आज हम लोग पकोड़े बनाएंगे तो उसी की रेसिपी आज मैं आप लोगों को बताऊंगी आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है तो ये देखिए ताज़ा ताज़ा अजवाइन हम लोगों ने तोड़ ली है इतनी प्यारी खुशबू थी ना इसकी बहुत ही सुंदर मतलब इतने मन को बहुत अच्छा कर रही थी सूंघने पर ही और ये पेट को बहुत अच्छा रखती है जिनको गैस की प्रॉब्लम है एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो लोग इसको बना करके खाएँ और ये है हमारा पोई का पेड़ तो पौधा मतलब बेल अभी छोटी है ये और और बड़ा पौधा भी मतलब बेल इसकी लग रही है हमारे इधर तो अभी इसमें जितनी पत्तियां हैं वो तोड़ लेते हैं तो गमले में ही हमने सारी चीज़ें लगा करके रखी है तो तोड़ रहे थे तो मैं सोचा कि थोड़ी सी क्लिप आप लोगों को भी दिखाई जाए कि कोरोना के इस टाइम में हम लोग किस तरीके से अपने गमलों में ही अपनी चीज़ें लगा सकते हैं और मतलब उनको थोड़ा थोड़ा करके यूज़ कर सकते हैं तो धनिया भी हमने लगा रखा है यहीं पर जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं आज हमारे घर बनेंगे पकोड़े तो आप लोग भी इनवाइट हैं कोरोना के संकट में मैं आप लोगों को पकोड़े खाने के लिए इनवाइट कर रही हूँ सब लोग स्वस्थ रहें मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है ना इन सब चीज़ों को लेकर के कि मतलब अजीब सा लगता है मतलब यहाँ पर भी लग रहा है देखिए तो इसमें भी रिंकू ने तोड़ लिया है और ये देखिए कोई कौन कौन जानता है इनके पकोड़े इसकी सब्जी भी बहुत अच्छी लगती है और ये बहुत ज़्यादा इसमें प्रोटीन मिनरल्स होते हैं विटामिन होता है और ये देखिए इसके पीछे पत्ते कितने प्यारे हैं और आगे जो हम लोग पानी डालते हैं ना थोड़ा थोड़ा वो जम गया है धो देंगे तो साफ हो जाएगा और ये ऑर्गेनिक खेती है हमारी और ये देखिए धनिया पत्ता भी हम लोग तोड़ लेते हैं डेली सब्ज़ी में डालने के लिए यहीं से हम लोग धनिया पत्ता तोड़ करके ले जाते हैं तीन चार गमलों में हम लोगों ने लगा के रखा हुआ है और इतनी खुशबू आती है ना इस धनिए की और जब भी कोई चीज़ बनाओ थोड़ा सा ले जाओ और तोड़ के डाल दो बस और क्या चाहिए मतलब ये डर तो नहीं रहता कि धनिया पत्ते में कहीं कोरोना तो नहीं आ गया कम से कम इसी तरीके से आप अपने घर में लगाएं और आज ये वाली रेसिपी जो है बहुत मज़ेदार होने वाली है तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि मेरा न्यू वीडियो जो है आपको सबसे पहले मिल पाए और मैं मतलब बहुत सारी चीज़ों के ऊपर वीडियो बनाती हूँ मेरे घर में जो जो होता है सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करती कर हूं हूँ मैं और आज हम लोगों के घर बनेंगे पकोड़े तो आज अजवाइन के पकोड़े बनेंगे और सारी गार्डनिंग में आने आप लोगों को बताई है आप लोगों के साथ में ही हम लोगों ने की है तो ये देखिए किस तरीके से तोड़ रही है ये और ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके छोटी सी टोकरी में तोड़ लेंगी पत्तियाँ तो इसके बाद फिर हम इसको धो लेंगे अच्छे से फिर इसके बाद में कट कर लेंगे और जो आ, ये जो है ना मतलब पोई की जो पत्ते हैं इनमें बहुत ज़्यादा पालक के बराबर प्रोटीन मिनरल्स हर एक चीज़ होती है इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन होता है पालक से भी ज़्यादा पौष्टिक होती है ये अगर आपको कहीं मिले तो आप गमले में इसको ज़रूर लगाएँ और अगर आपके घर में हैं तो आप इसको पक्का खाएँ तो देखिए कितनी अच्छी पत्तियाँ मुलायम मुलायम सी तोड़ ली हैं टोकरी में कितनी इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी ना जब हम लोग तोड़ रहे थे चलिए आपको दिखाती हूँ हरी मिर्च तो हरी मिर्च में अभी हरी मिर्च तोड़ ली है तो अभी देखिए छोटी चोट छोटी आ रही हैं बट एक लगी हुई है तो रिंकू ने बोला कि हम लोग तोड़ लेते हैं तो ये देखिए एक है इसमें एक हम लोग तोड़ लेते हैं और अभी फूल आ रहे हैं इसमें हरी मिर्च के भी दस से बारह पौधे हम लोगों ने लगा करके रखे हुए हैं तो ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है मतलब और ये देखिए हरी मिर्च धनिया तैयार है बिल्कुल अब धो के मिलती हूँ मैं आप लोगों से तो ये देखिए धुलाई कर लिया है मैंने और धनिया कट कर लिया है और ये सारी पत्तियां रख रख के मैं इस तरीके से कट कर लूंगी तो ये देखिए इस तरीके से मैं इसमें कट कर करके डालूंगी पकौड़े में तो ये इस तरीके से काट करके आप इनके पराठे बना सकती हैं और हल्का सा एक दो पत्ती ला कर के सब्जी में डाल सकती हैं इससे क्या होता है कि हम अभी काढ़ा पी रहे हैं ना जो मतलब तो गर्मी कर रहा है पेट में जा कर के तो एसिडिटी पैदा हो रही है उससे अगर आप इस तरीके से अजवाइन का यूज़ करेंगी ना अजवाइन तो वैसे भी पेट के लिए हमारी दादी नानी बूढ़े लोग पुराने लोग बताते आते हैं हमको कि अजवाइन बहुत अच्छी होती है तो अजवाइन का पौधा ही हम लोगों ने लगा लिया है आप लोग भी लगाइएगा और ये बहुत अच्छा होता है इसकी आधी पत्ती एक पत्ती रोज तोड़ करके खाइएगा आपको एसिडिटी में बहुत ज़्यादा मतलब आराम देगा ये और देखिए काटने के बाद इतने अच्छे कड़क से पत्ते थे ना इसके बहुत ज़्यादा और बहुत मोटी पत्ती होती है अजवाइन की और किस किस ने इसका पौधा देखा है और किस किस के घर में लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा तो ये देखिए इस तरीके से मैंने काट लिया है अब सभी चीज़ों को मैं इस तरीके से काट लूँगी तो ये देखिए हरी मिर्च भी मैंने रख दी है आपके लिए गार्निश कर दिया है देखिए कितनी अच्छी लग रही है और घर की अगर थोड़ी थोड़ी चीज़ें हो ना मतलब देखने में ही बहुत अच्छा लगता है सुकून महसूस होता है कि हम अपनी गार्डन की कोई भी चीज़ तोड़ करके उसको यूज़ कर रहे हैं क्योंकि मतलब गाँव में तो ये सब कुछ मिलता है लेकिन शहर में आने के बाद में वो सब चीज़ें भुला जाती हैं तो उस चीज़ को मतलब बहुत अच्छा मिस करते हैं कि हाँ हम क्योंकि हम लोग मम्मी के इधर रहते थे ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा ताज़ी सब्ज़ी आती है गांव की और मतलब बैगन भी आते थे तो रुए लगे हुए और भिंडी भी रुए लगी हुई हरी पत्तेदार सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा आती थी वहाँ पर लेकिन अभी भोपाल में आने के बाद ऐसा कुछ नहीं है और ये देखिए पत्ता मैं आपको तोड़ करके दिखाती हूँ कुछ इस तरीका होता है इसका पत्ता तरीके का और इस पर रुए रुए लगे हैं देखिएगा और ये बहुत कड़क और मोटा होता है तो ये देखिए

ये देखिए मैं तोड़ करके आपको दिखाती हूँ इसको और ये देखिए ऐसे दबाने पे टूट जाता है ये देखिए मतलब कड़क होता है इसका पत्ता इसमें पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और इसकी जो कैपेसिटी है पानी को स्टोर करने की ज़्यादा होती है क्योंकि बहुत दिन तक अगर हम इसमें पानी नहीं डालें तो भी ये ज़िंदा रह सकता है तो एक कम पानी में लगने वाला पौधा है आप लोग इसको ज़रूर लगाइएगा और इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताई बताया ही है कि जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है क्योंकि अभी अधिकतर लोगों को काढ़ा पीने से या लॉन्ग की चाय या फिर आ, कुछ मतलब दालचीनी वगैरह की चाय पीने से तो बहुत ज़्यादा लोगों के एसिडिटी हो रही है तो आप लोग इसका यूज़ कीजिएगा और देखिए पकोड़े मैंने मसाला कई बार आप लोगों को बनाना बताया है तो उसी तरीके से बना लिया जिस तरीके से पालक डाल करके प्याज डाल के हम बनाते हैं और ये देखिए पकोड़े मेरे गर्मा गर्म बन करके है तैयार तो आज की रेसिपी मेरी कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और रेसिपी के साथ साथ मैं आप लोगों को जो जो चीज़ बताती हूँ उन सबके फ़ायदे भी बताती हूँ अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को अपने घर में मैंटेन करके रखेंगे तो अपने बच्चों की अपनी अपने परिवार की सेहत का भी ध्यान रख पाएंगे इस तरीके से देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं पकोड़े बन करके ये देखिए कितने अच्छे से फ्राई हो रहे हैं और किस किस के मुंह में आ रहा है पानी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा तो चलिए इसी तरीके से अच्छी वीडियो लेकर के आऊंगी मैं आप लोगों के लिए और घर में रहिएगा स्वस्थ रहिएगा और सबकी हेल्प कीजिएगा जितना हो सके क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं ऑक्सीजन की कितनी ज़्यादा कमी हो रही है हमारे इधर बट मतलब जितना हो सके अपने आप को सेफ रखिएगा एक जगह रहने की कोशिश कीजिएगा शादी वगैरह भी हो रही है कम से कम जाने की कोशिश कीजिएगा जिनको ज़रूरी है वही लोग जाइएगा तो ये देखिए पकोड़े हमारे बन कर के हैं हो गए हैं तैयार तो ये देखिए आप लोगों के लिए सबसे पहले पकोड़े, ये देखिए मैं निकालती हूँ कढ़ाई में से और देखिए निकल गए हैं तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पर करती हूँ एंड अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब ताकि मेरा न्यू वीडियो जो है आपको सबसे पहले मिल पाए तो इसी तरीके से मैं जो है पकौड़े अपने निकाल लूँगी तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही आप लोग कीजिए मेरी वीडियो को इन्जॉय अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा एक लाइक आपका हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है तो ये वाला घान मैंने निकाल लिया है अब मैं दिखाती हूँ आपको प्लेट में रखे हुए पकौड़े तो ये देखिए हमारे पकोड़े बन करके हो गए हैं तैयार बहुत ज़्यादा गर्म है अभी और ये देखिए अगर आप लोग मतलब थोड़ा थोड़ा ठंडा चीज़ खाने से अच्छा है कि गर्म गर्म चीज़ खाएं और अपनी सेहत को स्वस्थ रखें तो अभी के लिए बस इतना ही बाय